कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही चर्चा में रहा है और अब खास तौर पर जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। तब से अब तक इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। यहीं आपको बता दें कि कुल 2.22 लाख किलोमीटर वर्ग में फैले कश्मीर के 30% हिस्से पर पाकिस्तान और 10% हिस्से पर चीन का अवैध कब्जा है। वहीं 60% हिस्सा भारत के पास है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर के इतिहास पर नजर डालते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का इतिहास। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आजादी दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाना तय किया गया। जम्मू और कश्मीर में हमला क्यों हुआ था और कैसे पीओके बना। सन 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था ने इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए। इस बिगड़ते स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की और भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थाई विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इस लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वे उसके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है जिन्हें पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। आगे आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को 2 भागों में बांट रखा है जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आजाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। आजाद कश्मीर में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक परिषद है लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करती है। आइए अब जानते हैं कि पीओके के बारे में और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के बाखान गलियारे से, चीन के जिंजियांग क्षेत्र से और भारत कश्मीर से पूर्व में लगती है। यदि गिलगित बल्तिस्तान को हटा दिया जाए तो आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर भारतीय कश्मीर का लगभग 3 गुना पर फैला है और इसकी आबादी लगभग 40 लाख है। आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले, 19 तहसीलें और 182 संघीय काउंसिलें हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में 8 जिले हैं, मीरपुर, भिम्बर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाघ, नीलम, रावलाकोट और सुगनती है।
पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक भाग रक्सम एवं बाल्टिस्तान की शक्सम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया गया था। इस क्षेत्र को सी डेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक कहते हैं। आजाद कश्मीर के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं तथा मक्का, गेहूं, वानिकी और पशुधन आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर निम्न श्रेणी के कोयला भंडार, चाक, बॉक्साइट के भंडार भी हैं। स्थानीय घरेलू उद्योगों में उत्कीर्ण लकड़ी की वस्तुओं को बनाना, वस्त्र और कालीन का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में उत्पादित कृषि उत्पाद में मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, औषधि जड़ी बूटियों और पौधों, राल, देवदार, कैल, चीर, प्राथमिकी मैपल और जलाने वाली लकड़ी शामिल है। यहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, फिर भी यहाँ पर 72% साक्षरता है। पख्तूनी, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी जैसी भाषाएं यहाँ पर प्रमुखता से बोली जाती हैं। यहाँ तक कि पाक अधिकृत कश्मीर के पास अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जो 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में है। और अगर अब भारत सरकार इस हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com।